बेटा इस वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चंस करेंगे हाउ डू लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस से। इससे पहले वीडियो में ऑलरेडी हम लोग 10 क्वेश्चन कर चुके हैं, इस क्वेश्चन में 20 और क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। 11th क्वेश्चन है बच्चों, प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन हैज बीन प्रोहिबिटेड बाय लॉ ड्यू टू, दैट मींस बेबी के बर्थ लेने से पहले ही उसका सेक्स डिटर्मिनेशन करना, दैट मीन्स वेदर अ बेबी इज बॉय और गर्ल, ये पहले से ही जानना, इसको प्रोहिबिटेड क्यों किया गया, इसको बंद क्यों किया गया, तो रीज़न आप बताएंगे, ड्यू टू इंक्रीजिंग केस ऑफ फीमेल फर्टिसाइड, दैट मीन्स बेबी गर्ल को जन्म लेने से पहले ही मार दिया जाता था, ठीक है, तो इसीलिए प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन, जन्म लेने से पहले बच्चे का सेक्स डिटर्मिनेशन जो है इसको प्रोहिबिट कर दिया गया, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द प्लेस वेयर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी दैट मीन्स ह्यूमन फीमेल की बॉडी में जो फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस होता है वो कहाँ होगा बच्चों, दैट इज ओविडक्ट। ओविडक्ट क्या है बेटा, ओविडक्ट मीन्स फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, डैश इज कॉमन ट्यूब फॉर रिलीजिंग स्पर्म एंड यूरिन इन मेल, मेल के केस में जो स्पर्म रिलीज होता है और जो यूरिन रिलीज होता है उसके लिए एक ही ट्यूब है, दैट इज यूरिथ्रा बच्चों, कॉमन पैसेज, ठीक है, तो 13 का आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ए फर्टिलाइज्ड ओव्यूल डेवलप इनटू, ये आपको याद रखना है, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनके केस में ओव्यूल का फर्टिलाइजेशन होने के बाद सीड का फॉर्मेशन होता है और ओवरी के फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है बच्चों कि फर्टिलाइज्ड ओव्यूल किस में डेवलप होता है, तो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल जो है वो डेवलप होगा सीड में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, तो कॉपर टी एंड लूप्स क्या है, तो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस हैं फॉर प्रिवेंटिंग अनवांटेड प्रेगनेंसी, दैट्स वाई ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में आएंगे, एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या है, ऐसा फ्लावर जिसमें या तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, दैट्स वाई बच्चों इसमें जो सही ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में बोला गया है हैज आइदर कार्पल और स्टैमन, कार्पल क्या होता है बच्चों, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसे हम पिस्टिल भी कहते हैं, स्टैमन दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसे कि फिलामेंट और एंथर से बनता है, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर में आइदर कार्पल इज प्रेजेंट और स्टैमन इज प्रेजेंट, दैट मीन्स आइदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज प्रेजेंट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज प्रेजेंट, ठीक है, दैट्स वाई ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, वेयर आर स्पर्म्स फॉर्म्ड इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन मेल के केस में स्पर्म्स का फॉर्मेशन कहाँ होता है बच्चों, टेस्टिस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, एंड राइजोपस ट्यूबुलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बियरिंग स्पोरेंजिया एट देयर टिप्स आर कॉल्ड, बच्चों राइजोपस क्या है, एक फंजाई है, ठीक है, जो कि ब्रेड मोल्ड होता है ना, ब्रेड में जो फफूंद लग जाती है, ठीक है, तो उसमें ये जो फफूंद लगती है वो किसके वजह से होती है, तो वहाँ पे एक टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट मीन्स फंजाई ग्रो करता है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, राइजोपस। तो राइजोपस जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में ग्रो करता है और वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है उसे हम क्या कहते हैं, हाइफे बच्चों, ठीक है, हाइफे कहेंगे, और हाइफे के एकदम टिप में, हाइफे के एकदम टिप में जब ये मैच्योर हो जाता है तो स्पोरेंजियम फॉर्म होते हैं, और बहुत सारे स्पोरेंजियम को हम क्या बोलते हैं, स्पोरेंजिया, तो राइजोपस में जो ट्यूबुलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे हम क्या कहते हैं, हाइफे, जिसके टिप पर स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ड्यूरिंग ग्राफ्टिंग द पोर्शन ऑफ प्लांट दैट इज ग्राफ्टेड, ग्राफ्टिंग के दौरान बच्चों जिस पोर्शन ऑफ प्लांट को ग्राफ्ट किया जाता है, जैसे अगर मान लो कि अगर ये एक प्लांट है, ये एक प्लांट है, इसमें ये मैंने ये ए प्लांट बोल दिया, यहाँ पे मैंने बी प्लांट बोल दिया, ठीक है, तो अगर मैंने ए प्लांट को यहाँ से कट करके बी प्लांट के इस वाले पोर्शन में मैंने अगर स्टेम को कट करके लगाया, तो जिस पोर्शन को स्टेम कट करके, दैट मीन्स प्लांट, जिस प्लांट के पार्ट को मैं कट करके दूसरे प्लांट में मैं लगा रही हूँ, तो दैट मीन्स ए प्लांट के इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे कि इस ये वाला पार्ट क्या है, सियोन है बच्चों, ठीक है, इस सियोन को मैंने ग्राफ्ट किया, लगाया किस में, स्टॉक में,
जो अपनी जड़ों से अभी भी जुड़ा हुआ है उस प्लांट को आप स्टॉक बोलेंगे, और जिसे हमने जिस प्लांट से वो जुड़ा हुआ था उसको हटा के हमने दूसरे प्लांट में लगा दिया तो उसे हम सियोन कहेंगे। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था बच्चों कि ड्यूरिंग ग्राफ्टिंग द पोर्शन ऑफ प्लांट इज ग्राफ्टेड, दैट मीन्स ग्राफ्टिंग के दौरान पोर्शन ऑफ प्लांट जिसे हम ग्राफ्ट कर रहे हैं उसे आप क्या बोलेंगे? सियोन। जिस पर ग्राफ्ट किया जा रहा है उसे आप क्या बोलेंगे? स्टॉक। क्वेश्चन नंबर 20, एनिमोफिली इज द पॉलिनेशन बाय, तो एनिमोफिली में जो पॉलिनेटिंग एजेंट होता है बच्चों वो एयर होता है, ठीक है, तो इसका आंसर एयर है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21 बच्चों, थ्री टाइम्स डैश आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, आपको तीन एसटीडीज के बारे में बताना है, तीन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में बताना है। तो यहाँ पे आप फर्स्ट में लिख सकते हैं सिफिलिस, सेकेंड में आप लिख सकते हैं एड्स, और थर्ड में आप लिख सकते हैं गोनोरिया, GONORHEA, गोनोरिया, ठीक है। तो ये तीन आप लोग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के नाम याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 22, इन मेल्स द टेस्टिस लाइज इन स्क्रॉटम, मेल में, ह्यूमन मेल में जो टेस्टिस है बच्चों वो स्क्रॉटम, दैट मीन्स एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसी के अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? तो आपको ये बताया गया था कि टेस्टिस स्क्रॉटम के अंदर इसलिए प्रेजेंट होते हैं ताकि वहां पे प्रॉपर टेम्परेचर मिल सके बॉडी के बाहर और स्पर्म्स का फॉर्मेशन हो सके। दैट्स वाई करेक्ट आंसर इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, दैट्स वाई टेस्टिस लाई इन स्क्रॉटम। क्वेश्चन नंबर 23, हाउ डज ब्रायोफाइलम रिप्रोड्यूस, तो ब्रायोफाइलम किसकी हेल्प से रिप्रोड्यूस करते हैं बच्चों? लीव्स की हेल्प से रिप्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, व्हाट इज द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जन्म से लेके नेचुरल मृत्यु जो होती है, मतलब जन्म से लेके मृत्यु तक का जो समय है इसे हम क्या कहेंगे बच्चों? तो आंसर आप लोग याद रखेंगे लाइफ स्पैन, लाइफ स्पैन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, नेम द सीक्वेंस इन विच सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज डिवाइडेड इनटू, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जितने भी इवेंट्स हैं उन्हें हमें करेक्टली सीक्वेंस वाइज यहाँ पे अरेंज करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप याद रखेंगे बच्चों, दैट इज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, दैट मीन्स फर्टिलाइजेशन से पहले वाला इवेंट जिसमें गैमेट का फॉर्मेशन होता है, देन फर्टिलाइजेशन जिसमें कि गैमेट का फ्यूजन होगा, ठीक है, एंड देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन, दैट मीन्स जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है, उसके बाद का जो इवेंट है उसे हम बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। देयरफॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तीन इवेंट्स होंगे, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट इवेंट प्री फर्टिलाइजेशन, सेकेंड इज फर्टिलाइजेशन एंड थर्ड इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज सिनगैमी बच्चों, तो सिनगैमी आप लोग याद रखेंगे, सिनगैमी होता है फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन एंड ऑल्सो कॉल्ड सिनगैमी। क्वेश्चन नंबर 27 बच्चों, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन फंजाई, फंजाई में मोस्ट कॉमन मेथड जो होता है रिप्रोडक्शन का वो होता है बच्चों स्पोर फॉर्मेशन, अभी राइजोपस का भी हमने एग्जाम्पल देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 बच्चों, डैश रिप्रोडक्शन इज एडॉप्टेड बाय लोअर ऑर्गेनिज्म, कैसे टाइप का रिप्रोडक्शन लोअर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है बच्चों? आंसर इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, की लोअर ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्टली देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 में बच्चों देखो, इनमें से पूछा गया है कि कॉन्ट्रासेप्टिव कौन से है, कॉन्ट्रासेप्टिव मीन्स अनवांटेड प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए हम कौन कौन से अलग अलग मेथड्स यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रासेप्टिव है, ऑप्शन ए इज ऑल्सो कॉन्ट्रासेप्टिव, बी इज ऑल्सो कॉन्ट्रासेप्टिव, सी इज ऑल्सो कॉन्ट्रासेप्टिव, देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 32, ओविडक्ट्स इन ह्यूमन फीमेल यूनाइट इनटू इलास्टिक बैग, बच्चों ह्यूमन फीमेल के केस में जो दो ओविडक्ट्स होते हैं आगे जाके एक इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? यूटेरस, ठीक है। ओविडक्ट के लिए अगर पूछा जाए, दो ओविडक्ट आगे जाके सैक लाइक या इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो वहां पे आप आंसर यूटेरस लिखेंगे, लेकिन अगर वही यूरिटर अगर क्वेश्चन में होता तो यूरिटर आगे जाके किसमें सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं? यूरिनरी ब्लैडर। ओविडक्ट अगर होगा तो ऑलवेज रिमेम्बर आगे जाके जो इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर बनेगा उसे आप यूटेरस कहेंगे।
ये सारे क्वेश्चंस बच्चों रिवीजन करते रहना है, आगे और भी वीडियोस आती रहेंगी, कंटिन्यू आप लोग रिवीजन करते रहेंगे और जो भी डाउट होगा आप पूछेंगे।